क्रीमी लेयर क्या होता है, तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्रीमी लेयर को लोग नहीं समझ पाते हैं, और क्रीमी लेयर किस तरीके से मिलती है आरक्षण में, रिजर्वेशन में, वह भी बताएं थोड़ा सा। जो क्रिमिनेर वार्ड है ओबीसी के लिए बनाया गया है। मनुवादियों ने ओबीसी को वर्गलाकर क्रिमिलेयर शब्द यूज किए, क्योंकि ओबीसी का रिजर्वेशन भारतवर्ष में 27% है, वो ज्यादा लग गया उन्हें। ओबीसी को तोड़ने के लिए उस वक्त क्रिमिलेयर क्रिमिलेयर शब्द इसीलिए किया गया, ओबीसी सोशियली बैकवर्ड क्विक है, मतलब उनको इतना कष्टिजम झेलना नहीं पड़ा, तो इसीलिए उनके लिए क्रिमिनल शब्द उस वक्त यूज किया गया। ओबीसी चुप बैठ गया, वो सक्सेस हो गया। आज एससी और एसटी को भी क्रिमिलेयर शब्द में लाया गया। अरे क्रिमिलेयर, यहां तो क्रीम ही नहीं है, लेयर कहां से आएगा? कौन सा शेड्यूल कास्ट व्यक्ति आज क्रीम खा रहा है? कहां है क्रीम? आईएएस एक बन जाने से वो क्रिमिलेयर बन नहीं जाता, आईपीएस बनने से क्रिमिलेयर नहीं बन जाता, क्योंकि उनका पीछे जाप नहीं छोड़ता। जितने भी पैसा मालिक बन जाए ना क्यों, उनको जाप नहीं छोड़ता भाई, उनको क्रिमिलेयर कैसे होगा? आर्टिकल 341 क्रिमिलेयर के लिए परमिशन नहीं देता, आर्टिकल 342 क्रिमिनल के लिए परमिशन नहीं देता, क्योंकि ये गरीब मिटाने की प्रोग्राम नहीं है रिजर्वेशन। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट करना और आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करने के लिए रिजर्वेशन व्यवस्था लाया गया। उस वक्त पार्लियामेंट सभा में ये बताया गया कि ये दोनों को इंप्लीमेंट करना है, तो लोगों को रिजर्वेशन के द्वारा इक्वालिटी लाना है, समानता। क्या आज समानता आया है? तो समानता आने तो क्रिमिलेयर होगा। आज भी कस्टिजम है, आज भी ऊंच नीच का वो विष पी रहा है एससी वाला, उस एसटी वाले, क्रिमिलेयर कैसे बन जाएगा? आपका पास जितना भी पैसा है, जितने भी ताकत है, आपको वो शेड्यूल कास्ट बोल के आपको वो सम्मान नहीं देगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जब बाबा साहेब अंबेडकर हमारा मसीहा, इतने बड़ा व्यक्ति, जब उनका महापरिनिर्वाण होता है तो दिल्ली में उनको जगह नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट था, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट था। हम मरने, जन्म से लेकर मरण तक हमारा दशा और दिशा मनुवादी तैयार कर रहा है। आज हमें क्रिमिलेयर का जो उपाधि दे रहे हैं, हम कैसे क्रिमिलेयर है? हमारा पास क्रीम कहाँ है? किसका पास क्रीम है? ये समाज इतना भूखा है, इतना नंगा है, दो वक्त का रोटी के लिए तरस रहा है। जब भी हमें मेडिकल मेडिकल तबीयत खराब हो जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा पास पैसा नहीं है, छोटा मोटा नौकरी करने वाले व्यक्ति कैसे क्रिमिनल हो जाएगा? बताइए, क्या उनको आईएएस बन गया, आईएएस बन जाने से उस घर का लोग, जो खुद को सवर्ण कहने वाले लोग, रोटी और बेटी का रिश्ता रखते हैं क्या? कतई ही नहीं रखते हैं। क्या उन्हें रिस्पेक्ट मिलता, सोशल डिग्निटी मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इसीलिए संविधान भी बताता है कि ये लोग कभी भी क्रिमिलेयर में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये होमोजेनियस पीपल है, उनका कास्टिज्म हर वक्त उन्हें झेलना पड़ता है, मरने तक झेलना पड़ता है। आज तक आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कैसे क्रिमिलेयर होंगे? आर्टिकल 17 के तहत कास्टिज्म आज भी मिटा नहीं, जात पात आज भी मिटा नहीं, कैसे क्रिमिलेयर होंगे? कौन सा आंकड़े पर ये क्रिमिलेयर बनाएंगे? हिसाब है क्या गवर्नमेंट का पास, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय का पास हिसाब है क्या? कौन सा कम्युनिटी का पास कितना संपदा है, हिसाब है क्या? है? चमार का पास कितना परसेंट संपदा है, वाल्मीकि का पास कितना परसेंट संपदा है, भंगी का पास कितना परसेंट संपदा है, ए हिसाब है क्या? बिल्कुल हिसाब नहीं है। तो क्रिमिलेयर का शब्द अनुसूचित जाति के लिए कतई ही नहीं यूज होता है, ये यूज होने से भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी परमिशन नहीं देता है, क्योंकि वो जो दुख आज भी झेल रहा है, दुख दर्द। आपको एक बात याद रखिए, एक व्यक्ति जब शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति को नौकरी मिलता है, तो उनको रेंटेड हाउस नहीं मिलता, उनका जात की वजह से। जब वो ट्रांसफर होके वहां से जाता है, उनका चेहरे को गंगा पानी में धोया जाता है, उनके कास्ट की वजह से। जब कोई भी व्यक्ति उन्हें नमस्कार करता है, तो फिर कहता है, मैं उनको इसीलिए नमस्कार कर रहा हूं, वो हमारा बड़ा ऑफिसर हो गया है, वो रिजर्वेशन की वजह से। गाली कौन सुनता है? बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर को अभद्र टिप्पणी करके गाली देते हैं वो रिजर्वेशन के नाम पर। साथियों, हमारा पास, हम लोग कोई भी क्रीमी लेयर नहीं है, क्रीम ही नहीं है हमारा पास, लेयर कैसे होंगे? आप तो, आपका घर में एक ही व्यक्ति आयस बनता है, तो उनका पीछे 20 से 40 लोग हाथ फैलाकर बैठे होते हैं।
दो वक्त का रोटी के लिए। बताइए एक आईएएस का नाम जो करप्शन करके जेल गया है, बताइए एक आईपीएस का नाम जो करप्शन करके जेल गया है, बताइए उनका पास कितना संपदा है। आप देखेंगे तो उनका परिवार में पूरा कैलकुलेशन कर देंगे तो कुछ भी नहीं रहता है। आज भी हमारा पास जमीन नहीं है, मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है। जब हम मर जाते हैं ना, हमारा शरीर को दफनाने के लिए भी हमारा पास जमीन नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में इतने जात पात को एट्रोसिटी शिकार होने वाले कैसे क्रिमिनल होंगे। आज भी हमारा मुंह में मूता जाता है, मूत पीने वाले लोग, इतना टॉर्चर पार्टी होने वाले लोग कैसे क्रिमिनल होंगे। आज भी स्कूल में मटका से हम पानी नहीं पी पाते, जब पानी भी छू के पीते तो हमको डेथ मतलब मारा दिया जाता है, कैसे क्रिमिनल श्रेणी में आएंगे। पलवित पहल तड़वी जैसे बच्ची को मेडिकल कॉलेज में सुसाइड करना पड़ता है, हम कैसे क्रिमिनल बनेंगे। 13 साल का बच्ची, 12 साल का मासूम को रेप किया, रेप करके मारा जाता है हाथरस जैसे जगह में, हम कैसे क्रिमिनल बनेंगे। हर घंटा 10 से ज्यादा दलित वुमेन को रेप किया जाता है, हम कैसे क्रिमिनल बने हैं। जब हम क्रिमिनल बन जाते तो इतना टॉर्चर हमें नहीं होता, एट्रोसिटी नहीं होता। आज देखिए, आज भी आप खबर अखबार उठाकर देखिए, हर दिन अनुसूचित जाति जनजाति का लोगों को नंगा करके सड़क पर घुमाया जाता है। आज भी हमारा शादी में हम बैंड का साथ बारात ले नहीं सकते, हमें घोड़े पर बैठ नहीं सकते, हम कैसे क्रिमिनल है। जब क्रिमिनल होते तो हम अपना सुरक्षा खुद कर पाते। आज ना पुलिस हमें सुरक्षा देने के लिए तुरंत आता है, ना शासन प्रशासन हमारा सुरक्षा करता है। इसीलिए आज सबसे बड़ा ताकत, हाँ उस दिन हम क्रिमिनल बन जाएंगे जब हम शासक बनेंगे, जब हम शासक बनेंगे। हमारा काफी सवाल आपसे जरूर रखूंगा क्योंकि सवाल बहुत है और समय सीमा हमें बाध्य करती है। नंदी जी, क्या कारण क्या है कि आज तमाम नेता एक पक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती इसके खिलाफ नजर आ रही हैं और लगातार ताबातोड़ ट्विटर पे ट्विटर कर रही हैं, अपने स्टेटमेंट दे रही हैं, लाइव आ रहे हैं। उधर आकाश आनंद भी लगातार इस विषय पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कारण है कि इस रिजर्वेशन का, SC ST रिजर्वेशन का ऐसा क्या है कि आज बहन जी को फ्रंट पे आके खेलना पड़ रहा है, क्या कहेंगे। सुनिए, तमाम जितने भी लीडर है मनुवादियों का तलवे चाटते हैं, ये सब लोग अपना कुर्सी बचाने के लिए वन साइड हो रहे हैं। रिजर्वेशन को कैसे सुरक्षा देना बहन मायावती जी अच्छी तरह जानती है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक संगठन नहीं है, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन है। ये जो बहुजन समाज पार्टी, ये थॉट ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल से निकला है। ये जानता है कैसे मेहनत करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन लाए है, संविधान बनाए है, आर्टिकल 341-342 को भली भांति जानता है बसपा। बसपा का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी आर्टिकल 340 एंड आर्टिकल 342 को सही से जानता है और रिजर्वेशन का मीनिंग क्या वो भी जानता है। और बसपा में बहन मायावती जी ये भी जानती है, जब इसमें क्रिमिनल शब्द जुड़ जाएगा, आने वाला कल ऐसे ही करके समाज को धीरे धीरे फिनिश कर दिया जाएगा क्रिमिनल के नाम पर, और NFS शुरू कर देंगे, नॉट फाउंडेबल हो जाएगा। क्योंकि आज हम यूनाइटेड होके जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब भी हमारा पोस्ट वैकेंसी रखा जाता है नॉट फाउंड सुटेबल करके। कल को हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा, 3 साल NFS कर देंगे तो पूरा सीट ले जाएंगे, हमारा तमाम अधिकार को ये लोग एक ना एक दिन छीन देंगे, भारत का संविधान से रिजर्वेशन हटा देंगे। क्योंकि मनुवादियों का चार थॉट ऑफ अम्बेडकर ये बताता है कि आप संघर्ष का बिना आपका अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज हमें संघर्ष करना है। बहन मायावती जी राजनीति नहीं करती है, बहन मायावती जी समाज को बचाने के लिए हर कुछ दांव में लगा देती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी डर के मारे कुछ बोल देने से वोट नहीं मिलेगा, इसका फेवर में बोल देने से दलित का कुछ वोट हमें नहीं मिलेगा। वोट राजनीति करने वाले लोग डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं और इनका विरोध में जा रहे हैं। बहन मायावती जी
वोट का राजनीति नहीं करती है, संविधान को बचाने के लिए वो जी तोड़ कोशिश कर रही है। आकाश आनंद जी संविधान को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो संविधान को बेपनाह प्यार करता है और संविधान को भारतवर्ष में सही से लागू करने के लिए कोशिश करता है। आप देखिए कोई भी लीडर बैकलॉग के लिए बात नहीं करता। बहन मायावती जी उनका सत्ता में बैठे हुए टाइम में या उनको आज भी सत्ता से बाहर होते हुए भी वो बैकलॉग का फिलअप का बार बार वो शिकायत कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कितने परिश्रम के बाद हमें ये रिजर्वेशन मिला है। इसलिए बहन मायावती जी अपना स्टैंड में वो मजबूत है। बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहा करते थे, जब मेरे तकरार देश और मेरे समाज का स्वार्थ में आएगा तो मैं समाज को ही साथ दूंगा। आज ये टकरार समाज का स्वार्थ के लिए आया है, इसलिए बहन मायावती जी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के समर्थन में खड़ा हो गई है, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाला काल ये भोले वाले समाज समझ नहीं पा रहे है ये जो क्या चल रहा है, कैसे हमको आने वाला कल भिखारी बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ये बात को मेरे समाज समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए बहन मायावती जी को फ्रंट फुट में आकर बयान देना पड़ रहा है और बहुजन समाज को बचाना उनका प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी वो समझती है, क्योंकि वो जानती है इनका परिणाम क्या होगा। बहन जी अच्छी तरह जानती है आने वाला कल इनका परिणाम कितना खतरनाक होगा, कितना भयावह होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति का बीच में फाइटिंग हो जाएगा, हमारा यूनिटी खत्म हो जाएगा। बहन जी ये भी जानती है ये कंस्पिरेसी है, क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर को अच्छी तरह से पढ़ी है। वो जानती है बाबा साहेब अम्बेडकर का 8/11/1936 का स्पीच को। इस स्पीच में बाबा साहेब कहते हैं डोंट बिकेम ए विक्टिम ऑफ द कंस्पिरेसी। ये विक्टिम हो चुके हैं हम लोग कंस्पिरेसी में कुछ कम्युनिटी, उनसे बचाने के लिए बहन जी का ये प्रयास है। दूसरा और एक चीज बहन जी जानती है, हम लोगों को यूनाइटेड होना ही होगा, पॉलिटिकल ताकत को लाना ही होगा। नहीं लाएंगे तो आने वाला कल ये समाज पूरा बर्बाद हो जाएगा और ये समाज का गले में मटका और पीछे झाड़ू फिर लग जाएगा, ये समाज बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा धरोहर को कैसे बर्बाद कर दिए, जो भारत सोने की चिड़िया था, 1260 तक हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी खड़ा था, उनको कैसे बर्बाद कर दिया और हमें कैसे गुलाम बनाए। 75 यूनिवर्सिटी को बर्बाद करके हमें शिक्षा से वंचित कैसे किए, इतने ताकतवर शासक वर्ग होते हुए भी हम गुलाम बन चुके हैं, ये थॉट आप अंबेडकर स्कूल से बताता है। आज कुछ बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान का द्वारा थोड़ा सा कुछ मिला है, तब ये भी खत्म हो जाएगा ना, भारतवर्ष से हमारा इतिहास ही मिट जाएगा। आने वाला कल मनुवादी फिर मजबूत होके इस देश में और 200 साल तक शासन करने के लिए ये रणनीति चल रहा है, ये कंस्पिरेसी को समझना बहुत जरूरी है। एससी एसटी रिजर्वेशन जो है, और यह एक सरकार ने सिर्फ लालीपा पकड़ाने जैसा है, यह यूं कहें कि आपस में बंदर बांट करने जैसा है और मिलने वाला किसी को कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया कि 100 नौकरियों के अंदर से सिर्फ एक नौकरी मिलने वाली है और वह भी मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को आज बुद्धिजीवी लोगों को ये समझना होगा कि वह चाहते हैं कि उनके हक हकूक की लड़ाई अगर लड़ी जाए तो इस आंदोलन के अंदर सभी को आना चाहिए। और आंदोलन बाबा साहब ने भी कहा था कि शांति तरीके से करें, संवैधानिक तरीके से करें, जो मौलिक अधिकार है वह अपने तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था स्पीच नंबर 113 में, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर जिस दिन हो जाएगा ना, तो उस दिन हर व्यक्ति को रिजर्वेशन मिलेगा। क्योंकि बहन जी ने यह हमेशा बहन जी हमेशा बोलती है कि हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है। मैनिफेस्टो ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के अंदर सबको बराबर का अधिकार दिया है, चाहे वो एससी हो एसटी हो ओबीसी हो, जबकि ओबीसी को बहुत बड़ा अधिकार दिया है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, एसटी के लोगों को बहुत अधिकार दिए हैं, लेकिन वह अधिकार लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए उनको अपने अधिकारों के बारे में समझना होगा कि उनके रिजर्वेशन के ऊपर कोटाया घात हो रहा है, उनके हाथ में सिर्फ लॉलीपॉप आने वाली है, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा और जो इसका भ्रामिक प्रचार कर रहे हैं उस प्रचार से उस दुष्प्रचार से लोगों को बचना भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम साहब। थैंक यू। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।